गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास, दिस इज योर चैप्टर ऑफ हिस्ट्री द फ्रेंच रेवोल्यूशन। टुडे टॉपिक इज द राइन ऑफ टेरर। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लुई 16 जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जो है फ्रांस में हो गई थी। लुई 16 को जो है बाद में क्या किया गया। लुई 16 वाज सेंटेंस टू डेथ बाय ए कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। लुई 16 को फांसी दे दी गई देशद्रोह के का उस पर जो है चार्ज लगाया गया। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वाज एक्सक्यूटेड पब्लिकली। उसको जो है फांसी दे दी गई। कौन सी जगह पर? प्लेस डीला कॉन्क्रोड पर। द क्वीन मैरी एंटोनिटी मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। और कुछ दिनों बाद ही रानी मैरी एंटोनिटी को भी फांसी दे दी गई। उसके बाद क्या होता है फ्रांस में, लेट्स एक्सप्लेन। द राइन ऑफ टेरर, द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794, ये पूरा जो है क्या है, एक साल का जो समय था, इज रेफर टू ए राइन टू एज द राइन ऑफ टेरर। ये आतंक का शासन जो है वहाँ पर माना जाता है फ्रांस में। रॉब्सपायरी फॉलोइड ए पॉलिसी ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जो रॉब्सपायरी थे इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है जटिल एक तरह से कहा जाए कंट्रोल करने की कोशिश की और बहुत लोगों को इन्होंने पनिशमेंट दिया। किस किस को पनिशमेंट दिया? ऑल दोज हुम ही सा एज बींग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक। जो भी रिपब्लिक के गणराज्य के जो भी उनको लगा कि ये जो है एनिमीज हैं, जैसे कि एक्स नोबल्स, जो पहले नोबल्स थे वही सेकेंड स्टेट वाले फर्स्ट स्टेट वाले है ना, क्लैरगी मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज के कोई मेंबर थे, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी, यहाँ तक कि अपने ही पार्टी के उन रॉब्सपायरी की पार्टी के भी कुछ मेंबर हु डिड नॉट एग्री विद दिस मेथड, जो इस तरीके से इस मेथड से सिस्टम से जो है वो एग्री नहीं कर रहे थे, वर अरेस्टेड। उनको अरेस्ट किया गया, इम्प्रेजेंट, उनको जेल में डाला गया। एंड देन ट्राइड बाई ए रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और उनके ऊपर जो है देशद्रोह के उनके ऊपर जो है रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के द्वारा उनके ऊपर जो है चार्ज लगाए गए। इफ द कोर्ट फाउंड दैम गिल्टी, यदि कोर्ट ने उनको जो है दोषी पाया, दे वर ग्लूटेंट, तो उनका जो है गला काट कर उनको मृत्युदंड दे दिया गया। द ग्लूटेन इज ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स। ग्लूटेन नाम की जो ग्लूटेन क्या था बच्चों, एक ऐसी डिवाइस थी, एक ऐसा यंत्र था जिसमें दो पोल होते थे और एक ब्लेड होता था, ब्लेड मतलब गर्दन काटने के लिए, विद विच ए पर्सन इज बिहेड, और बीच में उस व्यक्ति की जिसको दंड देना है, मृत्युदंड देना है, उसको बीच में उसकी गर्दन रख देते थे, फिर ऊपर से उसकी जो ब्लेड होती थी वो डाल देते थे। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर ग्लूटेन हु इन्वेंटेड इट, और इसका जो नाम था वो डॉक्टर ग्लूटेन के नाम पर रखा गया था। रॉब्सपायरी गवर्नमेंट इश्यूड लॉ प्लेसिंग ए मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। जो रॉब्सपायरी जो सरकार थी उसने क्या किया, मैक्सिमम वेजेस के, सैलरी के, प्राइस के जो मतलब दाम जो थे वो फिक्स कर दिए। मीट एंड ब्रेड वर रेशनड, मीट और ब्रेड जो है वो औसत रखा गया उसको। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज, और किसानों को ये फोर्स किया गया कि वो अपना ग्रेन जो है, अपना अनाज जो है वो सिटी में पहुंचाए। एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट, और वो सरकार को फिक्स प्राइस पर उस अनाज को बेचे। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन, और जो कि महंगा वाइट फ्लोर था, जो सफ़ेद आटा था, उसको जो है मना किया गया, फॉरबिडन किया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा होता था। ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डिलिटाइट इक्वली ब्रेड, सभी सिटीजन को ये कहा गया कि आप जो है पेन ब्रेड खाइए। ए लोफ मेड ऑफ वॉलवीट, जो कि वॉलवीट से बनती थी। इक्वालिटी वाज आल्सो सोट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, और समानता जो थी वो
बोलने में भी और एड्रेस करने में भी समानता जो है समाज में निर्धारित की गई इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सियोर सर एंड मैडम। पहले क्या होता था जो परंपरागत तरीके से ट्रेडिशनल रूप से जो बड़े मतलब जो पोस्ट पर होते थे तो उनको क्या कहते थे मैडम मतलब सर और मैडम बोलते थे है ना, मॉन्सियर और मैडम कहते थे। अब जो है क्या उन्होंने मापदंड क्या रखा, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हैंसफोर्थ सिटीजन एंड सिटीजनी, सब जो है सिटीजन का नाम दिया गया सबको। चर्चेज वर सेट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक और ऑफिस, जो चर्च थे वो बंद कर दिए गए और उनकी जो बिल्डिंग थी उसको जो है बैरक बना दिया गया या ऑफिस कार्यालय बना दिए गए। रॉब्सपायरी पर्स्यूड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगिन टू डिमांड मॉडरेशन। रॉब्सपायरी ने अपनी पॉलिसी को जो है इतनी जटिलता से इतना मतलब जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली उन्होंने फॉलो कर किया कि जो वहाँ के जो उनकी ही पार्टी के जो लोग थे वो भी इससे पूरी तरह से सहमत नहीं थे। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट इन जुलाई 1794। अंत में उनको भी जो है कोर्ट के द्वारा अरेस्ट किया गया, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू ग्लूटन, और उनको भी बाद में उनकी भी गला काटकर मृत्यु, रॉब्सपायरी जो थी उसको भी मृत्युदंड दे दिया गया। अब क्या होता है बच्चों, ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, द फॉल ऑफ अब जैकोबिन जो सरकार थी वो भी गिर गई, उसका जो मेरोफ स्पायरी जो था उसको क्या कर दिया गया, गला काट कर उसको मृत्युदंड दे दिया गया। अब क्या होता है फ्रांस में, द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउ द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू साइज पावर, जो उसके बाद जैकोबिन सरकार के गिरने के बाद जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी उसने जो है पावर हाथ में ले ली। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस, दूसरा नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है फिर इंट्रोड्यूस हुआ, विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और इस नए संविधान में जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उन लोगों को वोट डालने का अधिकार के लिए मना कर दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इसमें जो है दो चुनी हुई लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बनाई गई। दैन दीज दैन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी, उसके बाद जो है एक डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर, जिसमें कि 5 मेंबर हुआ करते थे वह अपॉइंट की गई। दिस वॉज मीन्ट एज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन, ये इसलिए किया गया कि जैसे जैकोबिन में जो है एक व्यक्ति के हाथ में पावर ना हो करके पावर को जो है कंसंट्रेट कर दिया गया, यानी कि उसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया। However, the directors often clashed with the legislative council. हालांकि क्या होता था उस समय पर भी कि इनकी आपस में जो इसके लेजिस्लेटिव जो काउंसिल के जो मेंबर हुआ करते थे इनके आपस में जो है क्या होता था क्लैश हो जाता था, भिड़ंत हो जाती थी, यानी कि कन्फ्लिक्ट हो जाता था। हु दैम सो टू डिसमिस दैम, फिर जो है बाद में उसको भी डिसमिस कर दिया गया। द पोलिटिकल इन इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ इलेक्टेड डिक्टेटर्स नेपोलियन बोनापार्ट, और जो ये स्थिति वहाँ पर रही फ्रांस में जिससे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो रही राजनीतिक जो अस्थिरता रही उसी के कारण नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो वहाँ पर फिर दोबारा से मिलिट्री डिक्टेटरशिप के लिए उसके लिए रास्ता साफ हो गया। थ्रू ऑल दी चेंज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी रिमेंड इंस्पायरिंग ideals that motivated political movement in France and rest of the Europe during the following century. अब क्या होता है बच्चों, पहले क्या था लुई 16 था, फिर वहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर राजा को मृत्युदंड दिया गया, रॉब्सपायरी ने जो है जैकोबिन्स जो थे ये रॉब्सपायरी वहाँ का राज एक तरह से शासन किया, लेकिन बाद में उसको भी मृत्युदंड दिया गया। उसके बाद फिर यहाँ पर दोबारा से क्या आ गई, नेपोलियन बोनापार्ट जो था फिर वो राजा बन गया। अब इसमें स्थिति सेम टू सेम फिर वहीं पर आकर के रुक गई, फिर राजा बन गया है ना, मोनार्की आ गई। लेकिन जो चेंज हुए उस समय के वो चेंज भी थे, द आइडिया ऑफ फ्रीडम जो आज़ादी का जो विचार था, इक्वलिटी बिफोर द लॉ कानून के सामने समानता, फ्रेटर्निटी जो सारे ये जो विचार थे ये पॉलिटिकल मूवमेंट के फ्रांस में जो है मोटिवेटेड रहे और रेस्ट ऑफ द और बाकी यूरोप के लिए भी प्रेरणा के स्रोत
स्रोत जो है वो बने रहे। ओके स्टूडेंट्स।